दोस्तों नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, आप देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान। दोस्तों जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास होने जा रहा है, युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। यमुना विकास प्राधिकरण, निर्माता कंपनी और शासन प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधि और बीजेपी के कार्यकर्ता कड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं इस कार्यक्रम को भव्य और विशेष बनाने के लिए। यह कार्यक्रम विशेष स्थान पर विशेष परिसर और पंडाल में होगा, इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं और कार्यक्रम स्थल पर जिन पिलरों से पंडाल बनाया जाएगा वह जापानी पिलर्स होंगे, हम पहले बता चुके हैं, और वह कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। जमीन समतलीकरण का काम चल रहा है, आप मेरे पासर में देख रहे हैं वीडियो। 3 हेलीकॉप्टर उतरेंगे सभा स्थल से 500 मीटर की दूरी पर, वहां भी तैयारियां चल रही हैं। 5000 से अधिक पुलिसकर्मी इस अवसर पर कानून व्यवस्था को संभालने के लिए मुस्तैद होंगे। पुलिस लाइन से कार्यक्रम स्थल पर अभी से सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी गई है, तरह तरह के इंतजामात किए जा रहे हैं जेवर एयरपोर्ट के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। दोस्तों ये जो कार्यक्रम जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास का है, इस अवसर पर एक जनसभा का भी आयोजन होगा और विशाल जनसभा होगी जिसमें 1.5 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। NCR के अलावा उत्तर प्रदेश और आसपास के प्रांतों के तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं के यहाँ इस अवसर पर एकजुट होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। दोस्तों दरअसल ये जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास कार्यक्रम महज एक शिलान्यास नहीं है, यह उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल को फूंकने का श्री गणेश कार्यक्रम भी है। इस श्री गणेश कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ता उछल उछल कर जोर लगा रहे हैं सफल कार्यक्रम बनाने के लिए, लेकिन दोस्तों कोई भी कार्यकर्ता दबी जुबान से जेवर एयरपोर्ट के विस्थापित पीड़ितों की आवाज नहीं उठा पाया। उधर जेवर के विधायक रघुपुरा क्षेत्र के गाँव में जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कार्यक्रम को भव्य और विशेष बनाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं, शासन प्रशासन के अधिकारियों से भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जेवर एयरपोर्ट के विस्थापित गांव में पीड़ितों का दर्द सुनने जेवर विधायक भी नहीं पहुंच पाए। दोस्तों जेवर एयरपोर्ट एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, इस देश का और NCR का नहीं, केंद्र और UP सरकार का। कांग्रेस के काल में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में बना था, अब यह बीजेपी के काल में बन रहा है और यह एशिया का सबसे बड़ा, दुनिया का चौथा बड़ा एयरपोर्ट है और यह एयरपोर्ट अब तक की सबसे बड़ी विदेशी निवेश की परियोजना है और सबसे बड़ा भूमि अधिग्रहण है। दोस्तों यह मेगा प्रोजेक्ट है और इसको परवान चढ़ना ही चाहिए, इसका जोर शोर से स्वागत किया जाना चाहिए और जोर शोर से क्षेत्र और पूरे देश का इस प्रोजेक्ट को लेकर विकास होना ही चाहिए, हम भी इसकी हिमायत करते हैं। लेकिन दोस्तों जिन किसानों की जमीन इस एयरपोर्ट के पहले चरण की परियोजना में गई है या दूसरे और तीसरे चरण की परियोजना में जिन किसानों की जमीन जाना प्रस्तावित है, जिन गांव का विस्थापन प्रस्तावित है, प्रशासन को और सरकार को उन गांव के लोगों की बात भी सुननी चाहिए। जिस तरह युद्ध स्तर पर एड़ी चोटी का जोर लगाकर इस कार्यक्रम को भव्य और विशेष बनाया जा रहा है, चुनावी बुगल फूंकने का श्री गणेश किया जा रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार में, मोदी के मंत्र से चुनावी तंत्र की वैतरणी को पार करने का प्रयास उत्तर प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे हैं। अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है, चाहे सरकार के लोग हों चाहे जनता के लोग हों, सब अपनी बात कह सकते हैं, कहनी भी चाहिए, स्वतंत्रता मिली हुई है हम सबको अपने अभिव्यक्ति की। दोस्तों जिस तरह से ये कार्यक्रम की तैयारियां व्यापक और विशेष तरह से की जा रही हैं, यदि उसका सोमांस भी यदि अधिकारी कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि और सरकार के नुमाइंदे प्रयास करते तो जेवर एयरपोर्ट के विस्थापितों के बुरे हाल नहीं होते। जेवर एयरपोर्ट के विस्थापितों के हाल मैंने दिखाए हैं, दिवाली कैसी मनी है, कैसे मासूम बच्चे बुजुर्ग ठंड में प्लास्टिक की तरपाल की झोंपड़ियों में रह रहे हैं,
कोई उनका दर्द नहीं समझ रहा, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। आखिर क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह है? यह सब दिखावे के लिए हो रहा है या कुछ और मामला है? मामला कुछ भी हो, इन ग्रामीणों की समस्याओं को हल किया जाना चाहिए, उनके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। हमारा निवेदन है केंद्र की सरकार, पीएम मोदी की सरकार से, योगी की सरकार से और उन प्रशासनिक अधिकारियों से जो सरकार के कहने पर एक इशारे के पर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, वो इन किसानों की फरियाद को भी सुनने के लिए सामने आने चाहिए। दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट की लगातार हम अपडेट दिखा रहे हैं, आगे भी दिखाते रहेंगे। जेवर एयरपोर्ट के विस्थापित गांव की भी पड़ताल दिखा रहे हैं, आगे भी दिखाते रहेंगे। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें और लगातार देखते रहें जेवर एयरपोर्ट, यमुना विकास प्राधिकरण, न्यू नोएडा, न्यू ग्रेटर नोएडा, टप्पल बाजना, राया मथुरा, अरबन शहर सहित आसपास की बड़ी खबरें। सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ जागो हिंदुस्तान पर नमस्कार।